बहुत स्वागत है जी सारे का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट शो अज करा। अज गल करा कि जनवरी इनटेक के जसमीत जी ने कहा कि ऑफर लैटर की वेटिंग हो सकती है, तो वह समा आ गया। रिफ्यूजल्स बहुत आ रहे हैं, वो स्टूडेंट रीअप्लाई करेंगे, फ्रैश स्टूडेंट्स रीअप्लाई करेंगे, और 10+2 वाले स्टूडेंट्स जिन्हें आर्ट्स कंप्लीट होने वाली है, तो 10+2 के रिजल्ट भी आने वाले ने इस महीने, तो फिर वो स्टूडेंट भी जनवरी इनटेक अप्लाई करेंगे। रिफ्यूजल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि PPR भी आने शुरू हो गए हैं, पर जनवरी इनटेक औखा हो गया। कि हुण गल मई तक पै गई, जनवरी इनटेक कई थावां ते बंद हो गया, जसमीत जी अजे खुलासा करनगे। सो स्थितियां कनेडा नूं लैके बहुत ज़्यादा मुकाबले वालियां ने ऑफर लैटर लैण नूं। हुण जसमीत जी की हाले भी जनवरी इनटेक हर जगह अप्लाई कराउणगे या मई च अप्लाई कराउणगे, सवाल यह वड्डा। जसमीत जी तुसीं पुछांगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्रीकाल जसमीत जी। जनवरी इनटेक कित्थे कित्थे बंद हो गया, तुहाडी प्रोडिक्शन बिल्कुल जिवें जिवें तुसीं कह रहे सी उही स्थितियां आ गईयां। देखो असीं हजे अगर जुलाई च बैठे हाँ, पहला हफ्ता जुलाई के पहले हफ्ते च जनवरी इनटेक की लई कई कॉलेज बंद हो गए, जिवें तुसीं दस रहे हो, कि कॉलेज बंद हो गए? बहुत वड्डे नंबर है, जैसे कहो कि बाव वैली कॉलेज के ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम वेटलिस्ट हैं, सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक के ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम वेटलिस्ट हैं, नायगरा कॉलेज के बहुत सारे प्रोग्राम वेटलिस्ट हैं, लैम्पटन कॉलेज जैसे कही मिसिसागा एंड टोरोंटो कैंपस आर क्लोज्ड। फिर असं गल करते फ्लेमिंग कॉलेज ने अपना इनटेक क्लोज करता है, दे विल रीओपन बिकॉज वो सैस कर रहे हैं। सेंट क्लेयर कॉलेज के भी बहुत सारे प्रोग्राम वेटलिस्ट होने वाले हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है। तो मैं स्टूडेंट सारे आगाह करना चाहवागा कि जेडे स्टूडेंट्स हूँ जिन्होंने जुलाई च रिजल्ट आने 12वीं के, वो जल्द तो जल्द अपना आईलैट्स का एग्जाम दे के अपनी कंडीशनल ऑफर लैटर मंगा के जल्द तो जल्द ट्यूशन फीस पे कर दें, कि ना हो कि जनवरी चुनाव कनेडा जाने का जो सुपना है वो मिस हो जाए, और आने वाला मई और सपटेंबर तुम कोर्स ना मिलने। सो बहुत ज़्यादा रश मैं लगता है, आई एम प्रडिक्टिंग बिकॉज नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो स्टूडेंट्स आज की डेट से कैनेडा जाना चाहते हैं। सो बहुत वही गल की तुम जसमीत जी, फिर जनवरी इनटेक बचा कितने कितने है जसमीत जी? अगर वड़े वड़े नाम तुसी लए उते वेट लिस्ट हो गए कॉलेज, फिर जनवरी बचा कितने? नॉर्थर्न कॉलेज इज ओपन, सू कॉलेज इज ओपन, कैम्ब्रियन कॉलेज इज ओपन, लॉयलिस्ट कॉलेज इज ओपन, ओहो बहुत सारे सरकारी कॉलेज, इस तो अलावा भी है लैंडमार्क इमीग्रेशन 70 सरकारी कॉलेज के नाल डील करता है। सो अज की डेट से भी जो तुम मैंने कहोगे कि तुम जनवरी इनटेक से सीट चाहिए है, सो मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि लैट्स नॉट वेट कि सिचुएशन कदों इंप्रूव होएगी या कदों मैं अप्लाई कराँगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और एक्सैप्ट पंजाब ऑलसो, दिल्ली, बॉम्बे, केरला, गुजरात तो बहुत वड्डे पद्धर से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं कैनेडा के लिए, और तुम भी जल्द तो जल्द अपनी ऑफर लैटर जरूर लैके ट्यूशन फीस पे करो। बिल्कुल ठीक है जी। सो बढ़िया इंपॉर्टेंट गल्लां जसमीत जी ने दसियां ने। जसमीत जी हुण फिर जे जनवरी च वेटिंग है, स्टूडेंट्स दे रिफ्यूजल आ रहे हैं, साढ़े 10+2 दे नवे स्टूडेंट्स भी आउणगे, तो फिर कि हुण मई इनटेक का टारगेट रखण हुणे तो मई या फिर सितंबर तक गल जाऊगी? सो सी कुछ इदा दे टैक्नीकल प्रोग्राम्स होंगे है जिहड़े कि जनवरी और सितंबर इनटेक च होंगे है, जिवें कुछ कह लिए कंप्यूटर सिस्टम टैक्नीशियन, आर्किटेक्चुअल टैक्नीशियन, मोटिव पावर टैक्नीशियन, मकैनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। बहुत ही घट कॉलेजेस है जिहड़े मई इनटेक च टैक्नीकल प्रोग्राम्स रन करते हैं। सो जनवरी जे 22 तुहाडे तो मिस हो गया तो तुसीं जाओगे सितंबर 22। तुसीं देखो अज जून जुलाई अगस्त के महीने चल रहे हैं, और तुसीं की कहिंदे आ तुसीं नैक्सट सितंबर 2022 ही अपनी एडमिशन पा पाओगे जे तुहाडे तो जनवरी मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जिहड़े हैगे आ उह जिहड़ा सितंबर इनटेक च मेन प्रोग्राम्स रन करते हैं, और मई 2022 में बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स होंगे जो तुम अप्लाई करोगे। सो स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस हैगी है कि जनवरी 2022 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनटेक हैगा, और जे तुम उस इनटेक को मिस करते हो तो कोई ना कोई नैक्सट इनटेक सितंबर 22 जाना पै सकता है। सो स्टूडेंट्स लैट्स गैट आर एक्ट टूगैदर, लैट्स डू आईलैट्स फास्ट, गिव योर आईलैट्स एग्जाम एज सून एज पॉसिबल एंड गैट एन ऑफर लैटर जिन्नी जल्दी तुम लै सकते हो। ऑफर लैटर लैन तो बाद वो ऑफर लैटर रख के नहीं बैठते, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑफर लैटर मंगा लेंगे ने और फिर ट्यूशन फीस पे नहीं करते। ऑफर लैटर की वैलिडिटी 2 to 4 weeks होंगी है, और ऑफर लैटर एक्सपायर हो जाती है। सो जिहड़े भी स्टूडेंट्स अप्लाई करनगे उन्हां दी ऑफर लैटर एक्सपायर हो जाती है जे तुसीं ट्यूशन फीस पे नहीं करते, और नवे सिरे तो तुहानूं ऑफर लैटर अप्लाई करनी पैंदी है। सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जल्द तो जल्द अपनी ऑफर लैटर अप्लाई
ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਾ GIC ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੋਲਡ ਯੋਰ ਸੀਟ ਫੋਰ January 2022 ਇਨਟੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10+2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਮਈ ਜਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਦੇ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫੋਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਯੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ GIC ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੌਂਚ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ 3rd wave ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਮੋਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਰ ਪੈਨਲ ਐਂਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਨ ਆਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਦੇ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਰੋਮ ਪਾਸਟ 14 ਈਅਰਸ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ ਕਮ ਟੂ ਆਰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਰ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ ਬਿਕੋਜ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਫਾਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਗੈਟ ਆਰ ਐਕਟ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ 90413 90412 ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ ਐਕਸੈਸ ਕਰਾਓ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਲਾਹ ਲਓ info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਈ ਔਰ ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਧੰਨਵਾਦ